रोड पर बैठी हुई हैं, उन्होंने अपनी थैली से ढका हुआ है अपने आप को, और इतनी बारिश में जो मजबूर लोग होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और मजबूरी के बाद, तो अम्मा बेचारी बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बारिश के बाद और नागन का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज हम नागन को आप सुबह ही सुबह आपको दिखा रहे हैं कि नागन पे क्या सूरत हाल है, पानी की क्या सूरत हाल है। ताहल मतलब तो यहाँ मसला तो साफ ही है। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ की, देखते हैं कि आगे सड़कों पर क्या सूरत हाल है, पानी की कितना पानी खड़ा हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो चल के देखते हैं। ये मैं नागन छुरंगी के पुल से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ नागन के पुल से, और अब थोड़ी सी ठंड में इजाफा हो चुका है। बारिश के बाद शारे फैसल का बताया जा रहा है कि शारे फैसल में तो काफ़ी सारी गाड़ियां भी डूब गई हैं। और अब हम नागन सुरंगी से उतर के यूपी मोड़ की तरफ जा रहे हैं। ये जमात इस्लामी का इलेक्शन टेंट था। सब ठेले को उठा के फुटपाथ पे कर दिया है। और अब हम यूपी की तरफ आ गए हैं। बाइक बंद हो गई है। तो लोग अपने कारोबार को यहाँ पर प्लास्टिक को ही कुछ किसी चीज़ से रख के चला गया है। सड़कों की हालत अभी भी खतरनाक।
खतरनाक है। अगर आपने जज्बात होकर बाइक चलाने की कोशिश करी तो स्लिप भी हो सकते हैं। आते हैं सेशन 2122 का और सलामी वेलकम। और ये वो मकाम है जहां पर पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, और रात को बहुत ज्यादा ही पानी था, घुटों घुटों पानी था, लेकिन अभी पानी की कंडीशन ऐसी है कि पानी उतर गया है। अब सामने आने वाला है सरजानी चौरंगी, और भी चलंगी भी कहलाती है। सफर का आगाज किया था नागर चौरंगी से, और अब हम आ गए हैं पूर्वी चौरंगी पर। फिलहाल यहाँ पर तो रोड सारे साफ हैं, पानी भी तकरीबन निकल चुका है। दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट बारिश के बाद की, तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट मोटो व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देखें मंडी से सब्ज़ी आ गई है, सब्ज़ी उतारी जा रही है ताज़ी ताज़ी। सड़कों की सूरत हाल कुछ खराब हो चुकी है।